दीवारों मकानों अहातों से बाहर, दीवारों मकानों अहातों से बाहर, चमन और भी गुलसिता और भी है। पढ़ो और पढ़ाओ करो दिल को रोशन, उजालों की अब दास्तां और भी है। उठाओ नजर वो फलक से भी आगे, जहां और भी आसमां और भी है, जहां और भी आसमां और भी है, जहां और भी आसमां और भी है। रेगिस्तान की ठंडी सुबह मुझे पारो बाई की याद दिलाती है। मेरी दोस्त इसी ने मुझे सिखाया कि इंसान में इतना आत्मबल होना चाहिए कि समय में दबी रूढ़िवादी परंपराओं को, जो सभ्यता के विकास में बाधा हो, वह उन्हें बदल सके, और जिन रस्मों को न बदल सके उन्हें अपने शालीन स्वभाव से ढक दे। हार रेगिस्तान कठोर और निर्दयी है। यहाँ पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है। इसकी तपती रेत में जीवन एक सूखा सत्य है, व्यर्थ आशा की किरण पर टिका है। हर साल भुखमरी और मौत से इंसान यहाँ से भागता है। जड़ें ना होते हुए भी सदियों से इनका जीवन इस धरती से बंधा हुआ है और पनप रहा है अपने सभी रंगों में। यह है पारोबाई का गांव दंडकला, जो आज मेरे घर जैसा है। एक घर जहां कुछ साल पहले तक मुझे घुसने तक की इजाजत नहीं थी। पुरानी सोच बाहरी लोगों को गांव में आने से रोकती थी। समय के क्षणों में याद आता है, महीनों महीनों आना, लोगों से मिलने की कोशिश, उनसे बात बहस समझाना, तब कहीं शक और संदेह के दायरे से वे बाहर आए, वो भी क्योंकि मैं एक औरत थी। अपनाया केवल पारोबाई ने, जिसका प्यार और विश्वास मैंने जीता। दंडकला एक गांव जिसका दो दशक पहले नामो निशान तक नहीं था। 1971 में हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध के बाद बॉर्डर पर बसे पाकिस्तानी गांव से हिंदू जनता को खदेड़ा गया। वे अपनी जमीन छोड़ लगभग खाली हाथ हिंदुस्तानी शरणार्थी कैंपों में आए, पर औरतों के साथ आई उनकी पारंपरिक कसीदाकारी की कला। कैंपों में पुरुषों के लिए कमाई के साधन नहीं थे, औरतें ही 14-14 घंटे कसीदाकारी करती, जिसका मूल्य उन्हें मात्र 2 रुपए वहां के स्थानीय व्यापारी देते। औरतें
सरकार से मकान और जमीन मिलने की उम्मीद पर एक एक दिन करके खटती रही। एक एक दिन जो बने 10 साल। रेगिस्तान में एक नई उम्मीद लेके आई इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पानी ने रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया। बंजर पड़ी जमीनें उपजाऊ हो गई। अब शरणार्थियों को भी जमीनें बांटी गई। नए गांव बसे जिनमें से एक था डंडकला। पर पारूबाई के पति चोखाराम जैसे किसानों के संघर्ष का भी अंत नहीं हुआ था। 10 साल तो कैंपों में 10 साल तो मैं कैंप में रहा। फिर मेरे परिवार को 25 बीघा जमीन सरकार से मिले। 4 बीघा में फसल होती है, बाकी 21 बीघा पर रेत का टीला है। पानी लगता है, दूसरी तो अनकमादी पड़ी है, कोई फसल नहीं होता है। ये चोखाराम के खेत पर 4 महीने पहले बोई चने की फसल है। चोखाराम जैसे किसान कमर तोड़ मेहनत, महंगे बीज और खाद पर पैसा खर्च करने के बाद अगर कुछ उगा पाते हैं तो वो है कर्ज। भूमि रहित किसानों की बड़ी जनसंख्या के लिए खेती अब केवल चंद दिनों की मजदूरी प्रदान करती थी। मजदूरी जो कि अब पूरा का पूरा परिवार मिलकर करता था। बाकी बचे 10 महीनों में अगर घर पर चूल्हा जलता था तो वो केवल निर्भर था औरतों की कसीदाकारी की कला पर। पर ये लोग जो कैंपों में इकट्ठे रहते थे वे अब दूर दराज के इलाकों में छोटे छोटे गांवों में बस चुके थे। व्यापारियों को कसीदा इकट्ठा करने में अब अधिक सफर और समय लगता था। मुनाफे की दर बरकरार रखने के लिए वे औरतों को अब और भी कम दाम देते थे। घर चलाने के लिए महाजन का ऋण अब एकमात्र साधन था। जेवर दे बाणिया ने पैसा लाता तो बाणियों तो 3 रुपए ब्याज लगा तो 5। हम महाजन के पास अपने जेवर गिरवी रखते, पैसा उधार लेते, वो भी 3-5% महीने के ब्याज पे। हम में से किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता था। हम अपना अंगूठा स्टैम्प पेपर पर लगा देते। बाद में महाजन कहता, हो गया सब बराबर, जाओ। हमारे पास बहुत सोना चांदी था, कुछ तो बाड़मेर में महाजनों ने हड़प लिया और बाकी यहाँ के महाजन निगल गए। अब सब चला गया, हमारे पास कोई चारा न था। हमें जीने के लिए पैसा उधार लेना ही था। परंपरागत समाज ने औरत को हाशिए पर ही रखा। वो तो रेगिस्तान की बेटी ही बनी रही, अपना और अपने घर के बोझ को ढोने के लिए रेत के कणों की तरह बहती रही हवा के साथ और ढलती रही उस पहचान में जो स्वरूप तय किया समाज ने। परिवर्तन ने डंडकला में प्रवेश किया। उसके पहले अशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में और रेगिस्तान की बेटी ने पाई एक पहचान। कितना दिन हो गया? 2-3 दिन हो गया। 2-3 दिन हो गया। तो पानी की पीवे ना? अरे का पानी को पिया नहीं, 10 साल शरीर में पानी निकल है ना। अरे चमड़ी हल्की हल्की हो गया। दवाई दे दूं 2-3 दिन? हां दे दे। पानी यानी मैंने पारूबाई को उर्मूल प्लान संस्था से स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनने का प्रशिक्षण दिलाया। निरक्षर होने के बावजूद पारो ने जल्दी ही सामान्य बीमारियों के लक्षणों को समझकर याद कर लिया। दवाइयों के डिब्बों पर बनी तस्वीरों को देख वो आम बीमारियों का इलाज करने लगी। दूर दूर गांव से भी मरीज उसके पास आने लगे। लोग जो पहले उसके प्रशिक्षण लेने पर एतराज कर रहे थे वो भी उसके पास अब इलाज कराने लगे। दवाई खाली पेट नहीं लेनी, ठीक, भूखे पेट, ठीक। आज पारो अपने मरीजों की दवा दारू का हिसाब किताब रजिस्टर में खुद ही भरती है। उसने पढ़ने की इच्छा मुझसे व्यक्त की थी। अनपढ़ होने की वजह से उसको डर था कि किसी बच्चे को वो कभी गलत दवा न दे दे।
एक बार फिर पूरे गांव के विरोध के बावजूद उसने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में अपना नाम लिखाया। शिक्षा के लिए उसे पड़ोस के गांव जाना पड़ता। केंद्र में भी वह सीखने में आगे रही, साथ ही और औरतों को भी पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करती रही। अक्षर अपने में मात्र चिन्ह है, चिन्ह जिसका अपना कोई वजूद नहीं, पर ये अक्षर मिलकर बनते हैं शब्द जिसका होता है एक मतलब। पारू ने इस सत्य को समझा, वो अकेले तो नहीं पर अन्य औरतों के साथ मिलकर अपने हकों की रक्षा कर सकती थी, पर क्या पुरुष ये होने देते? गांव में आदमी चीकर 10 समझदार है तो 20 खराब है। गांव में अगर 10 अच्छे आदमी हैं तो 20 खराब, वो कुछ काम नहीं करते। मैं औरतों को कहती हूँ, हिम्मत रखो, हमें ही अपने घरों की चिंता करनी है। आदमी तो करेगा नहीं, वो तो सिर्फ दारू पिएगा या हमें मारेगा। पर दो औरतें आपस में लड़ती नहीं, मिलजुल कर एक दूसरे का दुख दर्द बांटती हैं। कोई कूटे नहीं, आको मोकर तो दो लुगाई ऑनलाइन बात कराऊं। ओ चावड़े की मां कहीं है? आ गया थे तो दिन के वो पी दारूडीर आ गया। अच्छी है कहीं है? भुजिए और पापड़ की सब्जी बना पड़े। भुजिया और पापड़ मिर्ची कोनी करे, जाओ प्याज देना मिलेगा। कोई प्याज कोनी। सच्चाई कुछ के लिए हंसी का कारण है, कुछ के लिए एक अभिशाप। इस कठपुतली के खेल में एक संदेश छुपा है, जागरूक बनो, अपने अधिकारों को समझो, साथ मिलकर एक होकर अपने हितों की रक्षा करो। ये संदेश औरतों ने समझा, उन्हें एकजुट कर मैंने उनका एक बचत संगठन बनवाया। हर महीने संगठन के सदस्य 10 रुपया जमा करते हैं। इसमें से कोई भी जरूरतमंद सदस्य समयबद्ध कर्ज ले सकता है। आज महिलाएं 10 रुपए की बचत कर पाती हैं, क्योंकि बचत संगठन की औरतें जो कसीदा कारी करती हैं, उन्हें उर्मूल प्लान सही मेहनताना देकर खरीद लेता है। दूर दूर गांव जाकर उर्मूल प्लान कढ़े हुए वस्त्र संगठनों से इकट्ठा करती है। लक्ष्मीबाई गांव वन बीड़ी बचत संगठन की प्रबंधक है। दयाराम और मैं गांव संगठन प्रबंधक से कढ़े हुए वस्त्र जमा करते हैं। दयाराम को भी चोखा राम की तरह बंजर जमीन मिली थी। उसकी जिंदगी में असली बदलाव तब आया जब उसकी बीवी लक्ष्मीबाई संगठन प्रबंधक बनी। यह आज अपने पति से ज्यादा कमाती है। एक सत्य जो संगठन से जुड़ी हर महिला पर लागू होता है, कढ़ाई और पढ़ाई ने महिलाओं को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया पर साथ ही उन्हें दी है एक सामाजिक पहचान। भारत खासो को ए मोटो न चीज ए भी घट है अखने भी देखो तो कुछ और कर सका। बीकानेर में हमारी संस्था की एक दुकान वस्त्रों की बढ़ती तादाद को बेचने में असमर्थ थी। अब अगर हम औरतों को काम देना बंद करते तो न सिर्फ उनका हौसला टूटता, साथ ही इतने दिनों में कमाई उनकी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी जाती रहती। इन हालात में उम्मीद मिली एक निमंत्रण के रूप में। दिल्ली में हो रहे 10 दिन के प्लान बाजार में भाग लेने के लिए हमें बुलाया गया। यहाँ दस्तकार सीधे खरीदारों से संपर्क करके अपना माल बेच सकते थे। 5वें दिन तक हमारा सारा माल बिक चुका था और मैं व्याकुल हो रही थी गांव पहुँच इस अनुभव को बांटने के लिए। क्वालिटी भी इतनी अच्छी कोनी थी, बटे जो बीजो ग्रुप था जो गुजरात से आवड़ा था और राजस्थान से बाड़मेर जयपुर से आवड़ा था, बेरी क्वालिटी अच्छी थी आपा से। गंगा भाई अपारा दिल्ली में कुछ खरीदारों को लगा कि हमारे वस्त्र महंगे हैं। दिल्ली के इस अनुभव ने इन औरतों को झकझोरा। उन्होंने पहली बार मुझसे उत्पादन में शामिल खर्चों की सूची मांगी। यात्रा पर खर्चा सबसे अधिक था।
पारोबाई का एक सुझाव था, एक उपाय जो सामाजिक दृष्टिकोण के बाहर था। उसके मुताबिक प्रबंधक कपड़े बस द्वारा बज्जू स्थित उर्मूल प्लान के दफ्तर ले जा सकते थे। इस तरह औरतें खर्चों को और कम कर सकती थी। काम अपने आप संभाल सको तो अपारा खर्चा कम हो जाए और हो सके ज्यादा माल बिके। जिन औरतों ने कभी घर की चार दीवारी भी नहीं लांगी थी, वह अकेले बस में बैठ एक दूर अनजान शहर बज्जू के लिए निकल पड़ी थी। पचास किलोमीटर या दो घंटे का ये सफर इनके सदियों से दबे कुचले व्यक्तित्व को एक अस्तित्व प्रदान कर रहा था। बज्जू में दिनचर्या साफ है। पहले बैंक जाकर बचत की राशि को जमा पर्ची पर भरना, उसे जमा कराना और पासबुक में दर्ज करना। एक किलोमीटर चलकर संस्था के दफ्तर पहुंचना, हिसाब कर औरतों के काम का मेहनताना लेना, कढ़ाई के लिए वस्त्र उठाना, और ये सब वे कर रही हैं गांव वालों की रजामंदी के बगैर। आज बज्जू आने में कोई है, मैं तो देखो कोई नहीं, पहले तो इधर घणी लाग दो ना, मैं डर को लाग फिर तो घर में बैठो नो को काम करो, थारे जानो रोजी ने रोजी ने के बस चढ़नो है, जो बस चढ़ो तो आदमी आदमियों को तो दिक्कत है ही इंडिया में। वो तो हमेशा ही औरतों के बारे में बुरा कहेंगे, काम नहीं करोगे तो कहेंगे देख तेरी बीवी घर पड़ी है, काम करोगे तो कहेंगे तेरी लुगाई को तो घूमने से फुर्सत नहीं। मैं इनकी बातों का बुरा नहीं मानती, मुझे तो बज्जू जाना ही पड़ता है। औरतों को काम मिलता है, पैसे मिलते हैं, मैं बैंक में पैसे जमा करती हूँ, इस सब का फायदा गांव को है ना, पर गांव को फायदा उठाना नहीं आता। पर गांव फायदा उठा जाने को। पारूबाई के बज्जू जाने में एक और मुंह है, पूनाराम, पारू का सबसे बड़ा बेटा और डंडकला गांव का अकेला लड़का जो बज्जू के हाई स्कूल में पढ़ रहा है। नियमित कमाई और अनिवार्य बचत से इन औरतों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आया है। औरतें जिनके पास जिंदगी में पहली बार कुछ अतिरिक्त पैसा हाथ आया है, उन्हें महसूस हुआ है दुनिया के सारे बड़े ऐशोआराम के साधन उनकी पहुंच में हैं, और साधन जो इनके लिए ऐशोआराम की चीजें हैं वह इनकी अगली पीढ़ी के लिए रोजमर्रा की जरूरतें बन रही हैं। पंद्रह बीस दिन महीने में आता, महीने में कपड़ा धोता, साबुन में कदी समझता को नहीं कैडी हुए, अगे कोई शिक्षा कोई नहीं, कोई सुनो नहीं। हम लोग पंद्रह दिन में नहाते, महीने में कपड़े धोते, हमें मालूम नहीं था कि साबुन क्या होता है। अनपढ़ होने की वजह से हमें जानकारी नहीं थी। अगर हम साबुन देखते तो इसे ऐसे छूते और उसकी खुशबू सूंघते, पूछते कि क्या है, पर आजकल तो मैं खुद साबुन खरीदती हूँ। आजकल तो मैं खरीदता हूँ। इस तस्वीर के बीच में बैठी औरत पारूबाई की बड़ी लड़की मंगनी है। 18 की उम्र पे इसकी शादी हुई, 21 पर ये माँ बनी। ये अगली पीढ़ी की असली तस्वीर है, एक पीढ़ी जिसके लिए पारूबाई अपनी छोटी लड़की मथली को तैयार कर रही है। 13 की उम्र पर ये डंडकला गांव की अकेली बच्ची है जो अभी भी स्कूल में जाती है।
और इसकी एक साधारण सी वजह है, अपने पूरे गांव भर की सहेलियों में एक वो ही बची है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई। मंगनी शादी करी जिना कहे लोगे के इन लारे क्यों रखी। जब मंगनी की शादी की तो लोगों ने कहा बार बार खर्चा क्या करना, मतली की भी साथ शादी कर दो। पर मैंने मना कर दिया, ये तो पहले की रीति रिवाज है कि नाबालिग लड़की की शादी कर दो। अब तो हम पढ़ लिख गए हैं, दुनिया बदल गई है, और खर्चे की बात है तो हम खर्चा ही कम कर देंगे। शादी एक महंगा सौदा है जो यहाँ चलता है 15 दिन। इन 2 हफ्तों में पूरा गांव का खाना, शराब और अफीम का खर्चा शादी वाले परिवार को उठाना पड़ता है। ज्यादातर परिवार शादी का खर्चा जिंदगी में सिर्फ एक बार ही उठा पाते हैं, इसलिए घर के सारे बच्चे, चाहे बालिग या नाबालिग, एक साथ ही ब्याह दिए जाते हैं। पहले शादी करता जना 15 दिन पहले पूरा गांव लड़की के घर 15 दिन काम कराता और खाता पीता। अब हमारे गांव में लड़की वाले के यहाँ हम लोग सिर्फ 2 बार खाते हैं, एक जब बारात आती है और एक शादी वाले दिन। पहले की तरह हम अब भी गीत गाते हैं, काम करते हैं, लेकिन फिजूल खर्चे बंद कर दिए हैं। पहले हम लड़की को कुछ नहीं देते थे, पर अब हमें लगता है कि जो पैसा हम लोगों को खिलाते थे उसे यदि बचाकर लड़की को दे दे तो वो अच्छा होगा। शादी करानी तो वो खर्चो पहले लोगों ने खानावानी वो खर्चो भेड़ो कारण लड़की ने दे दो तो वो अच्छा लागे। ये है तीजाबाई, गांव साबड़िया की स्वास्थ्य कार्यकर्ता। कल पूरी रात जागने के बाद इस नन्ही जान को अपने कुशल हाथों से इस संसार में लाई। एक रात की जद्दोजहद से इन्होंने कमाए 10 रुपए, एक राशि जो हर महीने वे अपने बचत संगठन में जमा कराती हैं। मारे सावली नाम की औरत है, बिंगी लड़कियां हुई शादी तो बने। हमारे संगठन में चावली बाई है, अपनी लड़की की शादी के लिए उसने महाजन से कपड़े लत्ते और खान पान की चीजें उधार ली। जब महाजन ने उसे 45,000 का खर्च बताया तो वो स्तब्ध रह गई। वो इतना पैसा कहाँ से लाती। महाजन ने उससे कहा कि वो अपनी जमीन उसके नाम कर दे। बेचारी के पास कोई चारा न था, पर हमने उसे रोका। अगर वो जमीन दे देती तो क्या खाती, उसके पास गाय बकरी या पशु तो थे नहीं, वो तो भूखी मर जाती। औरतें जिनके लिए 10 रुपया माहवार की बचत मुश्किल है, 45,000 की बड़ी राशि एकत्रित करना एक स्वप्न समान था। संगठन में सालों की जमा बचत राशि इस कर्जे का 10% भी नहीं थी, पर चावली बाई की जमीन तो बचानी ही थी। हम गांव गांव गए, संगठनों से विनती की और सबने मदद की। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के लोगों ने की, पर अब तक कर्ज की रकम ब्याज जोड़कर 50,000 हो गई थी। हमने पूरा पैसा जमा किया, उसकी जमीन छोड़ाई। अब संगठन ने ही उसकी जमीन जुतवाई है, बीज बोया है। बदलाव के बीजों ने जड़ पकड़ ली है, नई उम्मीदों के अंकुर फूट पड़े हैं और जिंदगी ने पाई है एक नई रंगत।
आज अपने सफर में पारोबाई दिल्ली में हो रहे दूसरे प्लान बाजार तक आ पहुंची है। यहां मिले अनुभवों को अपने गांव में जाकर सीख के रूप में अन्य औरतों के साथ वो बांटेगी। आज पारो का परिवार उसके सफर में उसके साथ है, खासकर उसकी बेटी मतली, जो एक दिन अपने माँ के अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाएगी और अधूरे सपनों को साकार करेगी। जहाँ पारोबाई और उसके साथी जिंदगी के दौड़ में इतना आगे आ गए हैं, वहीं गांव वालों की सोच में अशिक्षित बने रहने के कारण अधिक बदलाव नहीं आया। पति को लेकर दिल्ली चली गई ये लुगाई। अब गांव वाले कहते हैं कि ये अपने पति को दिल्ली ले गई है, ये किसी की नहीं मानती। पर औरतें खुश हैं, वे कहती हैं आपका काम अच्छा है, आप दिल्ली जाओ। पर औरतें छिप छिप कर बातें कर रही हैं, अपने पति के सामने नहीं। मुझे समझ में आया कि जैसे एक धागे को कसीदाकारी का ज्ञान सुंदर रूप प्रदान कर सकता है, ठीक उसी तरह एक आम इंसान को अक्षर का ज्ञान एक पूर्ण व्यक्तित्व का वरदान दे सकता है। आज इन औरतों ने सिद्ध कर दिया है कि साक्षरता जागरूकता तक पहुंचने का पहला कदम है। जागरूकता जो हमें शोषण से मुक्त कराती है, अपने और औरों के अधिकारों की रक्षा करना सिखाती है। औरतों का कभी तो समय आएगा जब इंदिरा गांधी का टाइम आया तो उसने बॉर्डर खोल दिए, मुझे हिंदुस्तान ले आई। औरत लाई, कोई आदमी तो नहीं लाया। इंदिरा आई तो उसने राज किया, अब मैं राज करूंगी।